आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. भारतीय व्यक्ति पहली बार करेगा अंतरिक्ष पर्यटन. योग गुरु बाबा रामदेव माफी मांगने को तैयार. अमेरिका में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद सांसद ने जताई चिंता. केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित. कल रामनवमी के अवसर पर मंदिर को सुसज्जित किया जाएगा. मनोरंजन रोबोटिक प्रदर्शनी का उद्घाटन. मराठा योद्धा मनु चरंगे बेलगाम आएंगे. हेस्कॉम पर मोर्चा की तैयारी कर रहे किसान. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, ते ही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. भारतीय मूल के उद्यमी और एविएटर गोपी थोटागुड़ा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं. वो कंपनी ब्लू ओरिजिन के माध्यम से NS-25 मिशन में एक पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे. इस कंपनी का स्वामित्व अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है. गोपी थोटाकुरा के साथ साथ कुल 6 लोगों को इस अभियान के लिए चुना गया है. अंतरिक्ष यात्राओं पर उनके साथ जाने वाले सदस्यों में मेसन एंजल, सिल्वेन किरण, केनेथ एल शामिल है, हेस कैरोल स्कालर और पूर्व वायुसेना कैप्टन एड वाइट्स शामिल है. योग गुरु बाबा रामदेव माफी मांगने को तैयार. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि योग गुरु रामदेव बाबा और पतंजलि आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक आचार्य बालकृष्ण सप्ताह के भीतर जनता से बिना शर्त माफी मांगे. जनता को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद इस मामले में रामदेव बाबा का क्या कहना है ये सामने आ गया है. पिछले हफ्ते 10 अप्रैल को जब इस मामले की सुनवाई पीठ के समक्ष हुई तो पीठ ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. आज बाद में दोनों ने कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार है. उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक नोटिस का जवाब देते हुए बिना शर्त माफी मांगी. अब एक बार फिर रामदेव बाबा की कही बात सामने आई है. अमेरिका में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद सांसद ने जताई चिंता. भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि हिंदू विरोधी हमलों की शुरुआत है. गैर सरकारी संगठन हिंदू एक्शन ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की आलोचना की. श्री थानेदार के साथ 4 भारतीय मूल के सांसदों रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, MB बेरा और प्रमिला जयपाल ने भी न्याय विभाग को पत्र लिखकर हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों की जाँच का अनुरोध किया. सोमवार को नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री थानेदार ने कहा कि हमारी शिकायत के बावजूद अमेरिकी प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है. अभी तक किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित. केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित हो गए हैं और आदित्य श्रीवास्तव देश में पहले स्थान पर और अनिमेश प्रधान देश में दूसरे स्थान पर आए हैं. पिछले 2 परीक्षाओं में देखा गया कि UPSC की पहली 3 रैंक लड़कियों ने हासिल की, हालांकि इस साल बच्चों ने बाजी मारी है. डोनोरू अनन्या रेड्डी देश में तीसरे स्थान पर है. कल रामनवमी के अवसर पर मंदिर को सुसज्जित किया जाएगा. कल रामनवमी के अवसर पर बेलगाम शहर, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्र में राम मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. कल 17 तारीख बुधवार को सुबह से ही विभिन्न राम मंदिरों में काकड़ आरती, सनई चौघड़ा, राम मूर्ति का महाभिषेक, पूजा के बाद महाआरती और दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम पूजा अर्चना कर उत्सव मनाया जाएगा. 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के प्रभु श्री राम का सुंदर और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है. इसे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है. चूंकि कल मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए मंगलवार को दिन में राम मंदिर को सजाया गया है और तरह तरह की रंगी बिरंगी फूलों की मालाएं और रंगी बिरंगी लाइटिंग की गई है. मनोरंजन रोबोटिक प्रदर्शनी का उद्घाटन. बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ अध्यक्ष श्री अविनाश पोद्दार ने कहा, कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करने के बाद बेलगाम
आई साइमन एग्जिबिटर्स की ये प्रदर्शनी मनोरंजन का खजाना है। सभी बेलगामवासी निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी का स्वागत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और रोटरी के पूर्व गवर्नर श्री अविनाश पोद्दार ने सोमवार शाम को इस अवसर पर मुरकुंबी शुगर के विद्या मुरकुंबी भी उपस्थित थी। शाम 5 बजे सुबह 9:30 बजे तक साइमन एग्जिबिटर्स के गणेश रेड्डी ने सभी को धन्यवाद दिया और यश कम्युनिकेशन के आनंद लाल और कई आमंत्रित लोग उपस्थित थे। मराठा योद्धा मनोज आरंगे बेलगाम आएंगे। मराठा योद्धा मनोज आरंगे पाटिल सीमावर्ती क्षेत्र में मराठा समुदाय मराठी भाषियों के अन्याय के खिलाफ सभी मराठों मराठी भाषियों को एकजुट करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बेलगाम आएंगे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार सुबह जालना में उनसे मुलाकात की और मामले पर विस्तार से चर्चा की। हेस्कॉम पर मोर्चा की तैयारी कर रहे किसान। हेस्कॉम अनगोल एल्लूर शाहपुर शिवार में किसानों के कृषि पंपों को बिजली की आपूर्ति करता है। किसानों ने अपने खेतों में कुएं खोद लिए हैं, लेकिन हेस्कॉम ने उन्हें बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। कारण बताया गया कि ट्रांसफार्मर लंबा है। किसानों ने बताया कि वे जल्दी इस संबंध में जवाब मांगने के लिए हेस्कॉम पर मोर्चा निकालेंगे। इस संबंध में किसानों ने हेस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वादा किया गया कि अगले मई तक सभी मसले सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई, इसलिए अगले कुछ दिनों में मोर्चा निकालने का फैसला लिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स लाइक इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कारगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मराठी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है, इसलिए मतपत्र पर मराठी में नाम शामिल करने और मराठी भाषा में जानकारी और मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कलेक्टर से की है। कारभार गंगूबाई मानकर, रमेश ढाबले, मुकुंद पाटिल, अभिजीत सरदेसाई, संदेश कोडचवाडकर आदि उपस्थित थे। मय समिति के उम्मीदवार निरंजन सरदेसाई का आवेदन दाखिल हो चुका है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के निरंजन सरदेसाई ने सोमवार को कारवार लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। इस समय वहां एकत्र कार्यकर्ताओं ने बेलगाम, कारवार निपानी, बीदर, भालकी के साथ महाराष्ट्र का एकीकरण करने की घोषणा कर कारवार वासियों का ध्यान आकर्षित किया। आवेदन दाखिल करने के लिए रवाना होने से पहले तालुका समिति के अध्यक्ष गोपाल देसाई, आबासाहेब दलवी, निरंजन सरदेसाई ने खानापुर में शिव स्मारक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हर हर महादेव के जयघोष के साथ श्री सिद्धेश्वर देव की यात्रा संपन्न हुई। बिदरली में ग्राम देवता श्री सिद्धेश्वर देव की यात्रा बुधवार 13 अप्रैल से शुरू हो गए है और गुरुवार को भी जारी रहेगी। 14 तारीख यात्रा का मुख्य दिन था। इस अवसर पर 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपनी मन्नतें पूरी की। शहर में भव्य श्री रामनवमी जुलूस कल। हर साल की तरह श्रीराम सेना हिंदुस्तान बेलगाम महानगर तालुका एसोसिएशन कल बुधवार को भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी उत्सव मनाएगा। 17 अप्रैल 2024 को भव्य जुलूस का आयोजन किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान कित्तूर कल बुधवार को दोपहर 3 बजे रानी चन्नम्मा सर्कल से शुरू होगा। श्री राम सेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कुंडूसकर ने अपील की है कि वे जुलूस में शामिल होकर इसकी सफलता में अपना बहुमूल्य योगदान दें। मंदिर में पूजा के लिए उम्मीदवारों पर भी कुछ प्रतिबंध। इस साल चुनाव में सफलता पाने के लिए नामांकन फॉर्म भरने जाते समय मंदिर में की जाने वाली पूजा पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तदनुसार संबंधित उम्मीदवारों को पूजा के लिए मंदिर जाते समय अपनी पार्टी के प्रतीक वाले झंडे, शॉल और अन्य संबंधित सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध है। बेलगाम जिले के सभी प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन मंडल ने यहाँ के पुजारियों को इसकी लिखित जानकारी दे दी है। कैंप में खुले मृत कुएं का पुनरुद्धार। बेलगाम लायंस ऑफ तिलकवाड़ी, बेलगाम मेन, मिड टाउन और खानापुर द्वारा शुरू की गई बेलगाम के कोंडापा स्ट्रीट कैंप में ओपन डेड वेल पुनरुद्धार परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और क्षेत्र के नागरिक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। पुनरुज्जीवित कुएं का उद्घाटन समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था।
छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार एवं लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पर्ल ब्रिटो उपस्थित थे। सेवानिवृत्त नगर अभियंता आरएस नायक और किरण निपानिकर की पहल पर और लायंस क्लब के सहयोग से कुएं के पुनरुद्धार का काम विशेषज्ञों की देखरेख में पूरा हो गया है। घटप्रभा आरोग्य धाम के प्रमुख डॉक्टर घनश्याम वैद्य का निधन। घटप्रभा के कर्नाटक आरोग्य धाम के प्रमुख डॉक्टर श्याम माधव वैद्य, इनका सोमवार सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी स्वाति, बच्चे राहुल और रोहित बहू है। पिछले 30 वर्षों से वो कर्नाटक आरोग्य धाम में मरीजों की देखभाल में लगे हुए थे। उन्हें मरीजों के देवदूत के रूप में जाना जाता था। शाम को आरोग्य धाम परिसर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।